नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय फोटोग्राफी चैनल में। दोस्तों आज हम देखेंगे रॉ इमेज में किस तरह से हम एडिटिंग करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक रॉ की इमेज ओपन करेंगे। यहाँ पे रॉ की इमेज ओपन होते ही आपके सामने एक रॉ का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ोटो हमने यहाँ पे टाइटल बार में निकॉन D90 मतलब ये फ़ोटो हमने निकॉन कैमरे से ली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक फिल्म स्ट्रिप है, इसमें इस फिल्म स्ट्रिप में फ़िलहाल अभी एक ही रॉ की इमेज है। अगर हमें इस रॉ की इमेज को डायरेक्टली JPG में कन्वर्ट करना है तो सीधा आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से विंडोज़ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे प्रीसेट है, डेस्टिनेशन कहाँ पे सेव करना है या अलग से कोई फोल्डर है, फाइल को नाम दे सकते हैं। यहाँ पे JPG, यहाँ पे बहुत से एक्सटेंशन है अलग अलग, उस एक्सटेंशन में आप फाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे JPG की क्वालिटी आप कितना रखेंगे, 8, 9, 10, 12 तक, तो इस तरह से आप यहाँ से इस फाइल को डायरेक्टली JPG में सेव कर सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन है, आप यहाँ पे एक टैब दिया है नीचे ओपन इमेज, यहाँ पे कैंसिल और डन, यहाँ पे आप अगर डायरेक्टली ओपन करेंगे तो ये इमेज रॉ से डायरेक्टली JPG में कन्वर्ट हो जाएगी और आपके सामने वो इमेज ओपन हो जाएगी। फिर आप इसे अपने हिसाब से कंट्रोल शिफ्ट एस या फिर कंट्रोल एस करके JPG में सेव कर सकते हैं। लेकिन इसमें और एक बात हो गई है कि हमने यहाँ पे ओपन इमेज की तो रॉ के जितने भी ऑप्शन है वो सब हट गए। अगर हमें इस इमेज पे रॉ एडिटिंग करनी है तो हम इस इमेज पे रॉ एडिटिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमने उसे ओपन इमेज किया है। तो अगर हमें वापस से इस इमेज के रॉ एडिटिंग में जाना है तो हमें यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं, वापस से उस इमेज को ओपन करेंगे। अगर आपको इस इमेज को फोटोशॉप में ओपन करनी है और वापस से रॉ की एडिटिंग करनी है तो सिंपल आपको शिफ्ट दबा के, यहाँ पे आप देख सकते हैं शिफ्ट दबाने के बाद यहाँ पे टैब में चेंजेस हो रही है। अगर नॉर्मली हम ओपन इमेज करेंगे तो वो JPG में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन शिफ्ट दबा के हम इस इमेज को ओपन करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट, स्मार्ट ऑब्जेक्ट के स्वरूप में आपके हमारे सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं लेयर पैनल में यहाँ पे एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट का एक आइकॉन आ गया है। इसका मतलब हम अगर इस पर रॉ का एडिटिंग करना चाहते हैं तो हमें खाली सिर्फ इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही आपके सामने रॉ का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो रॉ का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इमेज को माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे रेडीमेड परसेंटेज के प्रीसेट है, 100%, 50%, 12%, फिट इन व्यू। तो इस तरह से ये कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे ऊपर भी कुछ ऑप्शन है, इसके बारे में हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल हम इसके एडिटिंग पे ध्यान देते हैं। राइट साइड का जो पैनल है इसमें आपको बेसिक, टोन कर्व, डिटेल, ह्यू सैचुरेशन, स्प्लिट टोनिंग, लेंस करेक्शन इफेक्ट, ग्रेन, यहाँ पे कैलिब्रेशन और रेडीमेड प्रीसेट के कुछ ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं टोन कर्व। टोन कर्व में आप इस इमेज में शैडोज़ को कम करेंगे, शैडोज़ को हम यहाँ से कम करते हैं, डार्क्स को थोड़ा बढ़ाते हैं, लाइट कम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा मंदिर है, मंदिर के ऊपर आपको यहाँ पे देख रहा है ये वाइट पोर्शन है यहाँ पे, तो ये हमें दिखना चाहिए। यहाँ पे हाईलाइट हम कम करते हैं, हाईलाइट कम करने के बाद हमें थोड़ा सा क्लाउड नज़र आ रहा है। उसके बाद हम बेसिक करेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आप टेम्परेचर यहाँ से माइनस कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो था हम यहाँ पे जो था वही रखेंगे। ये टिंट करेक्शन, यहाँ पे एक्सपोजर की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन
इसे हम जीरो ही रखेंगे। यहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट को कम ज़्यादा करके देख सकते हैं कि इमेज में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो इसमें हम कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा लाइटली बढ़ाते हैं, 12 का रखते हैं। हाईलाइट यहाँ पे सबसे कम कर देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे क्लाउड के डिटेल मिल रहे हैं। शैडोज ठीक है, यहाँ पे वाइट कम करेंगे, ब्लैक ठीक है। यहाँ पे आप टेक्सचर देख सकते हैं, टेक्सचर हम 6 का रखते हैं। क्लैरिटी, इसमें आप क्लैरिटी का एक नए फोटोशॉप में क्लैरिटी और ये नीचे डीहेज का एक दो ऑप्शन आ गए हैं, तो यहाँ पे आप क्लैरिटी को माइनस करेंगे तो आपका इमेज धुंधली सी या फिर ग्लॉसी टाइप दिखने लगेगी। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको बढ़ाएंगे तो इस इमेज में टेक्सचर नज़र आने लगेंगे। डीहेज अगर आप स्लाइडर को माइनस की तरफ लेके जाएंगे तो आपके इमेज टोटली ब्राइट और ऐसा फॉगी टाइप दिखने लगेगी। तो यहाँ पे हम डीहेज को कम करते हैं, मेरे ख्याल से हम यहाँ पे 100 करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें स्काई के डिटेल बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। अभी हमें प्रॉब्लम ये हो गई है कि स्काई के डिटेल तो हमें यहाँ पे मिल गई है लेकिन यहाँ पे हमारी जो बिल्डिंग है, जो मंदिर है, वो पूरा ब्लैकआउट हो गया है। तो इसको ठीक करने के लिए हम यहाँ से यहाँ पे ओके करेंगे। इस इमेज का हम डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे। ओके करने के बाद आपको खाली इस इमेज को जो इस इमेज का जो टाइटल बार है इसको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे हाँ ठीक है, रिनेम करने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पे कॉपी नाम आ गया है। ओके करेंगे, फिर हम इस इमेज का वापस से कैमरा रॉ में जाएंगे, इसका एडिटिंग करेंगे। इसको हम 20 करते हैं तो यहाँ पे ये प्रॉपर दिख रहा है और यहाँ पे स्काई को छोड़ के हम अगर बाकी की तरफ देखेंगे तो ये हमारा बाकी का डिटेल एकदम ठीक ठाक लग रहा है। तो यहाँ पे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम आप इस इमेज को यहाँ पे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद हम इसको प्रॉपर सेट करेंगे, इस डुप्लीकेट कॉपी को डिलीट कर देंगे। अब हमें हमारा जो स्काई वाला जो इमेज है वो पीछे चला गया और आगे ये डल स्काई वो सामने आ गया है। तो यहाँ पे हमें इस स्काई को डिलीट करना है। तो यहाँ पे हम सिंपल इस इमेज को टॉप पे लेके जाएंगे और यहाँ से एक ब्लैक मास्क सेलेक्ट करेंगे। ब्लैक मास्क सेलेक्ट करने के लिए आपको अल्ट दबा के रखना है और यहाँ पे मास्क पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम इमेज को जूम करते हैं, ब्रश टूल लेंगे और यहाँ पे ब्लैक मास्क है तो आपका फोरग्राउंड कलर व्हाइट चाहिए। फोरग्राउंड कलर हमने व्हाइट लिया और ब्रश का हार्डनेस 0 और यहाँ से हम यहाँ पे ओपेसिटी 100 आप यहाँ पे एजेस पे मत जाओ। इस तरह से दोस्तों हमने स्काई का भी डिटेल यहाँ पे मेंटेन कर दिया है। तो फिलहाल इस इमेज को हम वैसे ही अभी रखते हैं, इसको लॉक नहीं करेंगे, फ्लैटन इमेज हम बाद में करेंगे नहीं तो फिर हम रॉ में एडिटिंग नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम खाली इस नीचे वाले इमेज को डबल क्लिक करेंगे, वापस से रॉ में जाएंगे और यहाँ पे नीचे वाइब्रेंस का एक ऑप्शन है, यहाँ से हम वाइब्रेंस कम ज़्यादा कर सकते हैं।
यहाँ पे नीचे सैचुरेशन का टैब है, सैचुरेशन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, यहाँ पे टोन कर्व का हमने देख लिया। यहाँ पे इमेज को आपको शार्प करनी है, समझो यहाँ पे मैंने 100% किया। इमेज को आप यहाँ से शार्प कर सकते हैं, आप इमेज में डिटेल देख सकते हैं। इमेज शार्प जैसे हो रही है वहाँ पे ग्रेन्स आ रही है, तो ग्रेन्स आने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप लुमिनेंस अगर बढ़ाएंगे तो ग्रेन्स भी आपके चले जाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे शार्पनेस कम करने के बाद और शार्पनेस बढ़ाने के बाद इमेज में बहुत से बदलाव आ गए हैं। यहाँ पे लुमिनेंस डिटेल, लुमिनेंस कॉन्ट्रास्ट, कलर डिटेल, यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे है यू सैचुरेशन लुमिनेंस, सैचुरेशन इसमें हम अगर रेड की मात्रा कम करेंगे तो जितना भी रेड कलर है इस इमेज में कम होता जाएगा, और बढ़ाएंगे तो रेड कलर बढ़ते जाएगा। सैचुरेशन का मतलब किसी भी इमेज का कलर कम या ज़्यादा करना। यहाँ पे अगर ऑरेंज कलर है तो ऑरेंज इसमें बढ़ेगा, कम हो जाएगा। येलो कलर को ये कम करेगा, बढ़ाएगा। जैसे ग्रीन, यहाँ पे एक्वा, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे पर्पल कलर, यहाँ पे मैजेंटा, यहाँ पे ह्यू। ह्यू मतलब अगर उस इमेज में रेड कलर है तो उस ह्यू में कितने कलर आते हैं, तो यहाँ पे रेड कलर के अलग अलग आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ऑरेंज कलर के वेरिएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, येल्लो, यहाँ पे ग्रीन के, एक्वा, ब्लू के, यहाँ पे पर्पल, मैजेंटा। यहाँ पे लुमिनेंस, लुमिनेंस मतलब उस कलर की हार्डनेस और सॉफ्टनेस। यहाँ पे कलर हार्ड हो रहा है और यहाँ पे ब्राइट हो रहा है। ऑरेंज कलर की मात्रा कितनी चाहिए, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, मैजेंटा। यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, यहाँ पे हाइलाइट्स के स्प्लिट टोनिंग है। यहाँ पे देखो इस कलर, इस इमेज में जो हाइलाइट है उस हाइलाइट को ये उस कलर से टोनिंग कर रहा है, समझा भी, ब्लू। तो जिस टोनिंग से आपको इमेज में, जिस तरह का टोनिंग आपको चाहिए उस तरह से आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे हम 0 ही कर देते हैं, कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम। यहाँ पे लेंस करेक्शन, यहाँ पे रिमूव क्रोमेटिक एबर्शन, जो पर्पल कलर आता है फोटो लेने के बाद कॉर्नर में, एजेस में, तो उसको रिमूव करता है। एनेबल प्रोफाइल कलर करेक्शन, यहाँ पे इसको हम 100 फिट एंड व्यू करते हैं। ये फोटो किस तरह से ली गई है, अगर उसमें कुछ गलतियां हो गई है तो यहाँ पे एनेबल प्रोफाइल करेक्शन करने के बाद लेंस करेक्शन में आपको अपना, आपका इमेज वो ठीक करके देता है।
यहाँ पे ग्रेन्स, अगर आपको इमेज में ग्रेन्स बड़ा नहीं तो आप ग्रेन्स यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे ग्रेन की साइज है, यहाँ पे हम 0 ही रखेंगे, यहाँ पे पेटिन यू, यहाँ पे विगनेट, अगर आपके इमेज में इस तरह के विगनेट इफेक्ट डालने हैं, यहाँ पे ब्लैक, ब्लैक के तरफ ले तो ब्लैक, यहाँ पे व्हाइट, यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ यही 28 पे रखते हैं, फिर यहाँ पे मिड पॉइंट सेंटर पे चाहिए तो राउंडनेस, उसका राउंडनेस कितना चाहिए, फेदर हाईलाइट, यहाँ पे शैडोज को टिंट, इस इमेज में जितने शैडो है उस शैडोज को ये टिंट करेगा, तो यहाँ पे हम 0 ही कर देते हैं, यहाँ पे रेड प्राइमरी, ग्रीन प्राइमरी और ब्लू प्राइमरी, तो इस कलर में हमको अगर छेड़छाड़ करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे हम 0 ही रखते हैं, यहाँ पे हम आगे आएंगे, यहाँ पे कुछ बने बनाए कैमरा रॉ में प्रीसेट दिए हैं, आप इस प्रीसेट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, यहाँ पे विंटेज, वार्म, कॉन्ट्रास्ट, फ्लैट एंड ग्रीन, रेड लाइफ, रेड लिफ्ट मैट, वार्म शेडोज, एज्ड फोटो, ब्लैक एंड वाइट, अलग अलग ब्लैक एंड वाइट के प्रीसेट दिए हैं, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं शार्पनिंग, नॉन लाइट, हैवी, विग्नेट, तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम यहाँ पे नन रखते हैं, नन, और यहाँ से हम ओके करते हैं, यहाँ पे इस रॉ को हम इस फाइल को हम अब हम इस फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे फाइल में जाके सेव, इस इमेज को हम जेपीजी में कन्वर्ट करते हैं, सेव, क्वालिटी यहाँ पे 12 रखो, क्वालिटी हमेशा यहाँ पे आपको 12 ही रखना है क्योंकि क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, यहाँ पे हम रॉ का फोटो ओपन करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस इमेज में थोड़ा सा हम ब्राइटनेस इन दोनों इमेज को हम फ्लैट कर देते हैं, यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ा दे थोड़ा सा, कर्व का लेवल बढ़ा दे,
दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये पहली वाली तस्वीर और ये दूसरी वाली तस्वीर। रॉ इमेज में जब हमने लेंस करेक्शन का एक ऑप्शन यूज़ किया, जैसे कि मैंने कहा कि फ़ोटो लेते समय कभी कभी कैमरा शेक हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए रॉ में एक ऑप्शन था लेंस करेक्शन। तो उस लेंस करेक्शन का यूज़ करके हमने इस इमेज में जो मंदिर था, यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम स्ट्रेट आपको लाइनिंग दिख रही है। तो ये इमेज एकदम प्रॉपर रॉ करेक्शन में करेक्ट हो गई है। यहाँ पे आप स्काई के डिटेल देख सकते हैं, ग्रीन कलर, टोटली इमेज ये यहाँ पे एनहेंस हो गई है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रॉ की इमेज, इसमें कुछ भी करेक्शन नहीं किया है। तो इस तरह से आप दोस्तों रॉ इमेज में एडिटिंग कर सकते हैं। जब भी आप कभी इमेजेस लेते हैं DSLR से, तो हमेशा उसे रॉ में ही क्लिक। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।